जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे बहुत इजी वे में बहुत ही मज़े के बर्गर्स। तो जल्दी से टाइम वेस्ट के बगैर इसकी रेसिपी देख लेते हैं। रेसिपी में सबसे पहले हमें चाहिए बंस, ठीक है, बर्गर बंस चाहिए जितने भी आपको रिक्वायर्ड हैं। और उसके बाद हमें पैटीज़ बनाने के लिए एक मिक्सचर चाहिए। इस मिक्सचर का मैं बाद में आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से रेडी किया है, ठीक है। और उसके अलावा वेजिटेबल्स के कुछ स्लाइसेस चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे टमाटो और ऑनियन जो है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पे खीरे के स्लाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बंद गोभी काट ली थी और उसमें मायोनीज़ जो है वो शामिल कर लिया है। मायोनीज़ में बंद गोभी को मिक्स कर लिया है। और एक और सॉस जो है वो सिंपल से हमें सॉस चाहिए। सॉस दो चीज़ों से बनाई है मैंने। एक जो है ली है इसमें केचप, चिली गार्लिक केचप ली है, और साथ मायोनीज़ जो है वो इक्वल अमाउंट में लेके तो मैंने मिक्स कर लिया है, ठीक है। और इसको हम यूज़ करेंगे उस पर लगाने के लिए, बर्गर्स पर लगाने के लिए, ठीक है, यानी कि कोटिंग के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पैटीज़ जो हैं वो किस तरह से रेडी किए हैं, मिक्सचर कैसे बनाया है। तो मैंने सिंपली चिकन के कीमे में चॉप्ड ऑनियन, ठीक है, उसके अलावा मिर्चें जो हैं सब्स वो काट ली हैं, सुरख मिर्च, नमक, थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस और एक अंडे की जर्दी शामिल करके इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें कोई भी चीज़ और डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने इस तरह से सिंपल वे में इसके बना लेने हैं जी पैटीज़। और पैटीज़ देखें किस तरह से मैंने तवे पे जो है वो ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लिया, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो हमने बहुत मोटे नहीं पतले पतले से जो पैटीज़ हैं वो रेडी कर लेने हैं। एक तवे पर ये फ्राई हो रहे हैं, 2 से 3 मिनट जो है वो एक साइड हम इसकी फ्राई करेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से। तो दूसरे तवे पे हम उतनी देर बर्गर बंस जो हैं वो कर लेंगे जी, सेक लेंगे, ठीक है। तो देखें एक साइड पे ये फ्राई हो रहे हैं और दूसरे तवे पे मैं करती हूँ जी अब फ्राई, सॉरी सेकती हूँ बन बर्गर, ठीक है। और बंस को जी सेका जा रहा है, हमने सिंपली उस पर कोई भी ऑयल वगैरह जो है वो नहीं लगाया। तवा गर्म हुआ है तो हमने उस पर बर्गर बंस जो हैं वो सेक लिए हैं, ठीक है जी। हाँ जी, सिंपली इस तरह से इसको सेक लेंगे। हाँ जी, देखिए कितना प्यारा बर्गर जो है वो बन के तैयार हो गया है। इतना इजी वे में बर्गर जो है वो घर में बनाया जा सकता है। आप लोग भी बनाइए। सपोज़ आपको भूख लगी हुई है, आपके घर में अभी कुछ भी खाने को अवेलेबल नहीं है, तो आप ये सिंपल से इजी से बर्गर बना सकते हैं। और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये ईजी से बर्गर की रेसिपी जो है वो कैसी लगी, और आपको बर्गर जो है वो आपने बनाए हैं तो कैसे बने हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।